मेरा जो ऑब्जेक्टिव है ये वीडियो बनाने का वो सिर्फ ये कि एटलीस्ट मैं वो क्वेश्चंस कवर कर दूं जिन क्वेश्चंस को पढ़ के आप लोग बड़े आराम से क्लियर कर जाएंगे पेपर, क्योंकि पूरा सिलेबस बहुत लेंदी है, कंपनी लॉ का तो बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से अब ये 2-3 दिन के अंदर जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है इस पेपर को क्लियर करना तो बिना पढ़े, तो इस वजह से मैं सिर्फ इसमें वो क्वेश्चंस कवर करूंगी जो पेपर में पूरी उम्मीद है आने की, तो उन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो है कंपनी, डिफाइन अ कंपनी एंड इट्स फीचर्स। देखिए कंपनी की अगर हम बात करें तो इट इज कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ पर्सन एसोसिएटेड फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ पर्सन है जो इकट्ठे होते हैं एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, जैसे बिजनेस, चैरिटी, स्पोर्ट्स एटसेट्रा, एंड फॉर्म फॉर एंड इट इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होना चाहिए, बिकम्स अ आर्टिफिशियल पर्सन, और ये एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बन जाती है इसकी, आर्टिफिशियल पर्सन बन जाता है जिसमें परपेचुअल सक्सेशन और कॉमन सील होती है। इसका क्या मतलब होगा ये मैं आगे फ्यूचर में डिस्कस करूंगी। यहां पर कुछ लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, एक एसोसिएशन बनाते हैं, उस एसोसिएशन का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है और ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, कंट्रीब्यूट, और ये अपना पैसा भी एक कॉमन पर्पस को पूरा करने के लिए बनाते हैं। तो बेसिकली कंपनी एक ग्रुप ऑफ पीपल है, एक एसोसिएशन है जो एक साथ इकट्ठा होते हैं किसी पर्पस को पूरा करने के लिए। थोड़ा सा और डिटेल अगर आप कंपनी के बारे में लिखना चाहें तो एक दो राइटर्स की डेफिनेशन डाल सकते हैं, साथ ही साथ इसका डिवीजन कर सकते हैं कम और पेन वर्ड से। कंपनी को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, कम COM कम एंड PAIN पेन। कम का मतलब होता है टुगेदर और पेन का मतलब होता है ब्रेड। तो यहां पर ये बहुत पुराना वर्ड है, बहुत पुराना डिवीजन है, तो इससे ये कहने का मतलब है हैविंग ब्रेड टुगेदर, इकट्ठे बैठ के खाना खाना। तो उसी चीज से इसको डिराइव किया गया कि इकट्ठे बैठ के पैसा कमाना, दैट इज कॉल्ड कंपनी। लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ कंपनी। अगर हम पहला फीचर इसका देखें तो इसका मतलब है सेपरेट लीगल एंटिटी। व्हाट डू मीन बाय सेपरेट लीगल एंटिटी? सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब एक अलग लीगल पर्सनैलिटी समझा जाता है कंपनी को, एक अलग पर्सन समझा जाता है जिसमें कि शेयर होल्डर्स, मेंबर्स, कंपनी सब अलग अलग ट्रीट किए जाएंगे। आप एक कंपनी को उसको शेयर होल्डर की आइडेंटिटी से नहीं जान सकते। कंपनी इज अ सेपरेट थिंग, इट इज अ लीगल सेपरेट थिंग। अगर कंपनी ने किसी का पैसा खा लिया तो वो कंपनी के ऊपर केस करेगा, आपके शेयर होल्डर के ऊपर नहीं कर सकता। ना ही आप ये कह सकते हैं कि कंपनी तो एक निर्जीव चीज है तो आप उसके शेयर होल्डर को जाके पकड़ देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। कंपनी अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन है, सो वी गिव इट अ ऑब्लिगेशन ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी होने की वजह से वो प्रॉपर्टी ओ भी कर सकती है, डेट भी ले सकती है मार्केट से, बैंक अकाउंट भी उसके नाम पे खोला जा सकता है, उसके ऊपर केस भी हो सकता है, वो खुद भी केस कर सकती है किसी दूसरे पे। तो इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। नंबर टू, और इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी को अगर आपने और लंबा करना है तो आप इसमें सोलोमन वर्सेस सोलोमन का केस रेकमेंड कर सकते हैं कि वहां रेफर कर दें सोलोमन वर्सेस सोलोमन का केस। हम वीडियो के एंड में सोलोमन वर्सेस सोलोमन का केस डिस्कस करेंगे। नाउ लिमिटेड लायबिलिटी, सेकेंड फीचर इज लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है एक मेंबर जो होता है कंपनी का वो सिर्फ उतना पे करने के लिए लायबल है जितने की उसका शेयर है। मतलब एक जो शेयर होल्डर है वो सिर्फ उतने के लिए लायबल है जितने की उसने शेयर लिए हुए हैं। जो उसने नहीं लिया उसके लिए ही इज नॉट एट ऑल लायबल। मतलब कंपनी की जो जिम्मेदारी है उसके लिए वो, उसकी सिरदर्दी नहीं है। वो जितना खुद उसका अनकॉल्ड है वो सिर्फ उन अनकॉल्ड के लिए ही पे करने के लिए लायबल रहेगा। तो लिमिटेड लायबिलिटी है, पार्टनरशिप फॉर्म की तरह अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं है इनकी। थर्ड इज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कंपनी नेवर डाइज, पीपल डाइज बट कंपनी नेवर डाइज। कंपनी कभी खत्म नहीं होती अंटिल एंड अनलेस ये वाइंड अप कर दी जाए, तो उसके बारे में भी हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि मेंबर्स के मरने से या मेंबर के इनसॉल्वेंट होने से कंपनी खत्म नहीं होती, इट कीप्स ऑन गोइंग ऑन। दूसरे शेयर होल्डर संभाल लेते हैं, दूसरे मेंबर इसको संभाल लेते हैं। फोर्थ इज सेपरेट प्रॉपर्टी। इसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है बिल्कुल अलग, जो कंपनी के नाम की प्रॉपर्टी हो किसी और नहीं ले सकता। मतलब आप ये नहीं कह सकते, शेयर होल्डर ये नहीं कह सकता कि ये मेरे कंपनी की प्रॉपर्टी है तो ये मेरी प्रॉपर्टी हुई इनडायरेक्टली। नो, कंपनी की अलग प्रॉपर्टी होती है और शेयर होल्डर उस पर क्लेम नहीं कर सकता। नेक्स्ट फीचर इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। शेयर इज ऑलवेज ट्रांसफरेबल इन कंपनी। इसमें कोई शेयर होल्डर परमानेंट नहीं होता, जिसके पास शेयर है उसी के पास सारे राइट्स है कंपनी के। फिर इस अगला फीचर है कॉमन सील। हर कंपनी की अपनी एक कॉमन सील होती है।
क्योंकि बिना सील के कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं होता, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता, क्योंकि उसकी पहचान होती है। तो आर्टिफिशियल पर्सन की अपनी एक पहचान है कॉमन सील, और अगर कॉमन सील पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन हुआ तो वो इनवैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। एंड लास्ट फीचर इज कैपेसिटी टू सू एंड कैन बी सूड। एक कंपनी जो है वो किसी को सू कर भी सकती है और उसको भी कोई सू कर सकता है। तो एक कंपनी के को एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो आपको जब भी फीचर्स आ जाए कंपनी के, तो आप ये 7 फीचर्स लिखेंगे: सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ शेयर, कॉमन सील एंड कैन बी सू एंड कैन सू। ये कैन बी सूड एंड कैन सू, तो ये 7 फीचर्स हैं, मोर देन सफिशियंट है। अगर कंपनी का क्वेश्चन 10 या 20 मार्क्स में आ जाता है तो आप इसको बहुत आराम से 7 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो ओवर विद माई सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।